नमस्कार दोस्तों, you Teach Me के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है धामेक स्तूप का निर्माण किसने किया था ऑप्शन देख लेते हैं अकबर अशोक नरसिंह तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा अशोक ने तो जो धार्मिक स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है वो है सारनाथ के अंदर सारनाथ कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ सारनाथ स्थित है सारनाथ से और भी क्वेश्चन निकल कर आते हैं जैसे कि पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था वो भी सारनाथ के अंदर दिया था जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है तो धामेिक स्तूप की बात हो रही है तो धामेिक स्तूप का निर्माण 500 सौ ईस्वी पूर्व में मौर्य समाज के सम्राट अशोक द्वारा दो सौ ईस्वी पूर्व में बनाए गए एक पूर्व स्तूप के स्थान पर किया गया था इस क्वेश्चन में इतना ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछोला झील कहाँ पर स्थित है देखो दोस्तों ये क्वेश्चन गोरखपुर आर में पूछा गया है ऑप्शन देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर राजस्थान केरल गुजरात तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा राजस्थान उदयपुर राजस्थान तो ये जो झील है ये मीठे पानी की झील है सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए दूसरी बात कि मानव द्वारा निर्मित ये झील है पिछोला झील का निर्माण चौदहवीं सदी में राणा लाखा के समय एक पिछू बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था इस झील में जलापूर्ति सीसाराम व बुछड़ा नदियों द्वारा होती है तथा यह लिंक नहर के द्वारा फतेह सागर झील से जुड़ी है अगर इस झील की बात की जाए तो इस झील में स्थित दो टॉप टापुओं पर जग मंदिर जिसको लैक पैलेस कहा जाता है वह जग निवास जिसको लैक गार्डन पैलेस कहा जाता है बने हुए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेगा कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो ऑप्शन देख लेते हैं वंदना कटारिया ऋषभ पंथ लोकेश राहुल गीता फोगाट तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऋषभ पंत ऋषभ पंत कौन है एक क्रिकेटर है जो कि आई में दिल्ली की टीम के कप्तान भी है और इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में हुआ है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11 अगस्त 2022 को ऋषभ पंत को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने करंट अफेयर से लिया है कि किस राज्य ने जीएसटी चोरी रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है तो ऑप्शन देख लेते हैं गुजरात असम केरल गोवा तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा केरल ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने लक्की बिल ऐप लॉन्च की है जो कि जीएसटी चोरी को रोकता है रोकने में सहायक है तो हमारा आंसर रहेगा केरल तो केरल हमारा आंसर है तो केरल के इसकी शुरुआत कब हुई ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा 16 अगस्त 2022 को इसकी शुरुआत की गई है तो केरल के वित्त मंत्री कौन है एन बाल गोपाल अगर पूछा जाए कि केरल की राजधानी क्या है तो तिरुवंतपुरम यहाँ की राजधानी है और यहाँ की राजभाषा है मलयालम नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने करंट अफेयर से ही लिया है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहेगा और आप आ, आने वाले समय में आप बैंक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आप देख भी पाओगे कि आर के केंद्रीय बोर्ड में कितने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई है तो ऑप्शन देख लेते हैं एक दो तीन चार तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा चार तो सबसे पहले हमें यही बताना चाहिए कि इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की गई है दूसरी बात ये जो नियुक्ति हुई है इनका नाम क्या है सतीश के मराठे एस गुरुमूर्ति रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी तो इन चारों का कार्यकाल 18 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा था परंतु इनकी पुनर्नियुक्ति की गई है चार वर्ष के लिए इस क्वेश्चन में इतना ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे गोल्डन ज्वाइंट रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है इसका नाम क्या है तो ऑप्शन देख लेते हैं चिनाब ब्रिज गंगा ब्रिज ब्रह्मापुत्र ब्रिज यमुना ब्रिज तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा चिनाब ब्रिज तो चिनाब ब्रिज कहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चिनाब ब्रिज है खासियत क्या है दुनिया का सबसे ऊंचा यह ब्रिज है, है। लगभग एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक ऊंचा है ये तो चिनाब ब्रिज का नाम से यह रेलवे पुल चिनाब नदी के जल स्तर से तीन मीटर ऊंचा है और इसकी लंबाई लगभग एक हज़ार तीन सौ पंद्रह मीटर है तो इस पुल के निर्माण में अट्ठाईस हज़ार छः सौ साठ मीट्रिक टन स्टील लगी है अगर मजबूती की बात की जाए तो यह पुल भूकंप और तेज धमाकों में भी बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और एक बात हमारा उद्देश्य ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाना बिल्कुल भी नहीं है अच्छे क्वेश्चन देना हमारा उद्देश्य है तो साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जब भी आप मेरे चैनल पर जाते हैं तो आप वहाँ पर जाकर प्ले को ज़रूर देखें प्ले में मैंने काफ़ी अच्छी प्ले बनाई हुई है इस चैनल की आप देखोगे तो आप जब इस पर क्लिक करोगे आप मेरे चैनल पर तो आपको ऊपर एक ऑप्शन नज़र आएगा प्लेलिस्ट का आप देख रहे हैं ऊपर प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट निकल कर आएगी आप उस प्लेलिस्ट के अंदर देखें कि मैंने करंट अफेयर डाली हुई है छः महीने की आई के इंटरव्यू डाले हुए हैं अलग अलग मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है हरियाणवी मुहावरे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं ऐसे ही पंचायती राज पर आधारित क्वेश्चन है संविधान पर आधारित क्वेश्चन है पुस्तक एवं लेखक है ज्योग्राफी है एनिमल हजबेंड्री है पैडागोजी के क्वेश्चन हैं हरियाणा जी के है करंट हरियाणा जी के भी है हिंदी के क्वेश्चन हैं अलग से साइंस के क्वेश्चन हैं सोशल साइंस के क्वेश्चन हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन मैंने प्लेलिस्ट बनाई है तो यहाँ पर जाकर आप अपनी जिस पे आपका एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को आप क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट से अपनी तैयारी कर सकते हैं मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद